हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? टुडे वी विल रीड धर्मे धर्मम पापे पुण्यम। पंचमा पाठ धर्मे धर्मम पापे पुण्यम, अर्थात धर्म धक का पाप में पुण्य। दिखा है आसित कश्चित चंचलो नामक व्याध, अर्थात कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणे स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, अर्थात वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एकदा स वने जालम विस्तृत गृहम आगतवान, अर्थात एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दर्भाग्याद एक व्याघ्र वृद्धा आसीत। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा था। संचित व्याघ्र माँ खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेद्यत भो मानो, बाघ ने प्रार्थना की, हे मनुष्य या हे मानो कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम मा मुच यदि हाँ यदि त्वम मा मुचिष्यसि तरही अहम त्वम ना हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा सब व्याघ्रम जलात वही निरसारियत, अर्थात तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांता आसित, बाघ थका था, क्लांता यानी थका होना, तो बाघ बहुत थका था। सो अवदत देखिए मानो वह बोला, अरे मनुष्य पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ नदाम जलमान्यमम पिपासम समय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा प्यादमत व्याप शांता में पिपासा सांप्रतम भूषितो अस्मि। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई है, इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, अर्थात अब मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूँ। भूषितो अस्मि का अर्थ होता है भूखा, तो सांप्रतम भूषितो अस्मि यानी अब मैं बहुत भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला, अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या गृहीतम भरितम, अर्थात मैंने तुम्हारे लिए धर्म कार्य किया। त्वम मां खादितम इच्छसि, तुमने झूठ बोला, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख धर्मे धर्मनम पापे पुण्यम भवति एव पृच्छकम्पी, धर्म पालन में धक्का और पाप करने में पुण्य होता है, किसी से भी पूछ लो। आगे चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा या बोला, त्वमेव भवति जना मयि स्नानम कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वतन्ते अतः धर्मे धर्मनम पापे पुण्यम भवति एव, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मल और मूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं, इसलिए धर्म में कष्ट और पाप करने में पुण्य होता है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष ने कहा या बोला, मानव अस्माकम छायाम विरमंती, मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं, अस्माकम फलानी खादंती और
हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य, कुठारे मतलब कुल्हाड़ी, प्रहत्य अस्मभ्य सर्वदा कष्टम ददति, फिर कुल्हाड़ियों से चोट मारकर हमें सदा के लिए कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं कहीं तो काट डालते हैं। धर्मे धनम पापे पुण्यम भवति, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मनाम पृष्ठे नीलिनाम एताम वार्ता सुनती इसम, पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। सहसा चंचल मुपसित्य कथती का वार्ता, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स अवदत्वा बोला, अह माति स्वस, अरे मौसी अवसरे तुम समागतवती, तुम ठीक समय पे आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए। परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे खाना चाहता है। तदंतरम स लोमसिकाया निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमसिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म मतलब बहुत अच्छा, तुम जालम प्रसारयत, ठीक है तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, के प्रकारेण तुम एतस्मिन जाले वृद्ध इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टिम इच्छामि, ठीक है तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ बोली, किस तरह से तुम इस जाल में बंध गए यह मैं अपनी आँख से देखना चाहता हूँ। आगे यहाँ देखिएगा, व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तदस्मिन जाले प्राविशत, बाघ उस बात को बताने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमसिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कृतम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कुदनेन स श्रांता अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले वृद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निसायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत, जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर असहाय होकर वह गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमसिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भरितम, तुमने सत्य कहा, धर्मे धमनम पापे पुण्यम तु भवति एव, धर्म पालन में धक्का और पाप करने में पुण्य तो होता ही है। जाले पुनः तब बद्ध दृष्ट्वा स व्याघ्रे प्रसन्नो भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत, अर्थात फिर जाल में उसे बंधा हुआ देखकर वह शिकारी खुश होकर अपने घर वापस आ गया।